Hey guys, welcome back to my channel. This is your Siddhant Raut and you're watching All in One Adda. Guys, अगर आपने मुझे अभी तक Instagram पे follow नहीं किया है तो आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं, link description में है. So guys, आज की video है grooming से related. आज मैं आपको review दूंगा इस Frost के whitening and brightening kit का. इस kit में आपको मिलता है Frost की तरफ से आने वाला whitening face wash और एक Frost की तरफ से आने वाला whitening and brightening face serum. So कैसा काम करते हैं ये दोनों products और इन दोनों products को use कैसे करना है और इसे यूज करने के फायदे क्या हैं और मुझे पर्सनली ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे लगते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. वीडियो को एंड तक जरूर देखें. सो सबसे पहले बात करते हैं इस फेस वॉश की. मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूं. आप देख सकते हैं ये एक ब्लू कलर की प्लास्टिक की बॉटल है. ऊपर इसके जो पंप लगा हुआ है ब्लैक कलर का, जो कि अच्छी चीज़ है, आपको फेस वॉश को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी. और सामने Frost की ब्रांडिंग है और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइटनिंग फेस वॉश. अच्छा है, सिंपल लुक है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. और अगर हम बात करें इसके क्वांटिटी की तो ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है. ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, मतलब सभी स्किन टाइप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं. और इसमें किसी भी तरह के हार्श केमिकल्स नहीं है, पूरी तरीके से नेचुरल है और इसके इंग्रीडियंट्स भी बहुत ही अच्छे हैं. और अगर हम बात करें इसके इंग्रीडियंट्स की तो गाइज इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रीडियंट्स है. इसमें है पीच एक्सट्रैक्ट जो कि आपके फेस से अनइवन स्किन टोन को ठीक करता है और आपके फेस से डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं आने देता. और उसी के साथ इसमें है विच हेजल एक्सट्रैक्ट जो कि आपके फेस से एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करता है. सो अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन टाइप है तो आपके लिए भी ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है. और हमें इस फेस वॉश को दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, जिससे कि आपके फेस पे पिंपल्स को आने से रोकता है. और अगर आपके पिंपल्स हो रखे हैं तो ये उन्हें बहुत जल्दी हटा देगा और ये आपके फेस को डीपली क्लीन करता है, जिससे कि आपके फेस पे रहने वाला डर्ट और पॉल्यूशन पूरी तरीके से चला जाता है और आपके फेस पे एक व्हाइटनिंग सा इंस्टेंट ग्लो आता है. तो अब बात करते हैं इसके व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेस सीरम की. मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ. आप देख सकते हैं एक सिंपल सी पैकेजिंग में आता है. और अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो ये एक 30 ml की शीशी है ब्लू कलर की और इसके अंदर आपको ये पंप लगा हुआ मिलता है और इसमें Frost की ब्रांडिंग है और सामने लिखा हुआ है व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेस सीरम. और बाकी अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है. और इसमें आपको 11 नेचुरल हर्ब्स मिलते हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं. किसी भी तरह के हार्श केमिकल्स नहीं है, जैसे SLS या पैराबिन, कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से नेचुरल है, आप यूज़ कर सकते हैं. और इसे लगाने के 1 मिनट के अंदर ये आपकी स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, पूरी तरीके से नॉन स्टिकी है. और इसे लगाने के बाद आपके फेस से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है. और गाइस, सीरम को रोज़ लगाने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि आपके फेस से डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है, आपके फेस से रिंकल्स को हटाता है, आपके फेस से रेडनेस को हटाता है और आपके फेस से अनइवन स्किन टोन को ठीक करता है और आपके फेस पे एक व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग सा ग्लो देता है. सो अब बात करते हैं कि हमें इस फेस सीरम को कब और कैसे यूज करना है. तो गाइस, आपको इस फेस सीरम को सिर्फ रात में यूज करना है, जब आप फेस वॉश करके आओ तब. सबसे पहले आपको फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को अच्छे से टॉवल से पैड ड्राई करना है और उसके बाद आपको इसकी 3-4 बूंद अपने हाथ पे निकालनी है और इसे धीरे धीरे लगाना है. और इसके लगाने के बाद आपको अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है और आपको फेस वॉश और फेस सीरम डेली यूज करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट. सो गाइस, दिस इज माई जेन्युइन रिव्यू आफ्टर यूजिंग दीज 2 प्रोडक्ट्स. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज के लिए देखते रहिए All in One Adda.